बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने व्यापारी निजी दुर्घटना बीमा योजना एवं मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना लॉन्च की और इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए और भी योजनाओं की घोषणा की, जिसमें सरकारी कर्मचारी से लेकर चौकीदार तक के वेतनमान में बढ़ोतरी की। तो जिनका टर्नओवर 20 लाख तक है ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, जिनका टर्नओवर 20 से 50 लाख है उनको 10 लाख का टर्नओवर मिलेगा, जिनका 50 लाख से 1 करोड़ तक है उनको 15 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा, और 1 से 1.5 करोड़ रुपया 20 लाख का कवरेज, 1.5 करोड़ से ऊपर ये 25 लाख का कवरेज, ऐसे कुल मिलाकर 3,13,112 ये GST की जो फर्म्स हैं जो ये कुल मिला के, और जो व्यापारी हैं जिनको जिनको इस बीमा का कवर में रखा गया है वो 3,86,669 संख्या उनकी। निजी क्षतिपूर्ति यानी उनके सामान की क्षतिपूर्ति होती है, वो अलग विषय है। ये दुर्घटना बीमा योजना ये अलग विषय है, ये एक प्रकार की इंश्योरेंस है जिसको लाइफ इंश्योरेंस हम कह सकते हैं। GST में है उन्हीं को कवर किया है, लेकिन GST की फर्म्स की संख्या है 3,13,000, लेकिन कई बार उसमें एक की बजाय दो व्यापारी भी होते हैं, दो पार्टनर भी होते हैं, तो उनकी संख्या बनती है 3,86,000 ऐसे ही ना। आज हो जाएगा, आज लॉन्च कर दिया तो आज नोटिफाई हो गया। इनके सबके नाम हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिए हैं, आज के बाद कोई इस प्रकार का घटना होती है दुर्घटना होती है तो ये सब उसमें कवर हो गया, और इसका सारा प्रीमियम जो है वो सरकार पे करेगी। दोनों योजना अभी व्यापारियों का किया सर, अभी केवल व्यापारियों का। ऐसा कुछ और योजनाएं हैं वो, जैसे मैंने पिछली बार बताई थी कि परिवार समृद्धि योजना में जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है सालाना, उनके लिए अलग से हमने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना ये उसमें कवर किए हैं। यानी अगर किसी की 15,000 रुपए से कम सैलरी है तो वो उसमें कवर हो जाता है। अगर किसी की इंश्योरेंस पहले से है वो तो उसमें जाएगा, इंश्योरेंस एक ही जगह से मिलेगा, लेकिन इसमें क्या है राइट्स वगैरह भी नहीं है। राइट्स अगर वहाँ उनका कोई इंश्योरेंस नहीं है तो फिर इसमें कवर होगा। नहीं और भी स्कीमें हैं, मैं तो यही तो एक स्कीम थी, इसको तो केवल इनॉग्रेट करना था, लॉन्च करना था, उन्होंने लॉन्च कर दिया, इसलिए इस स्कीम का लॉन्चिंग का कार्यक्रम पूरा। शुक्रिया। हाँ ठीक है, आप बाकी उस बाकी के साथ करेंगे ना, और भी हैं कुछ बाद, पहले कुछ योजनाएं और हैं वो हो जाए उसके बाद सवाल कर लेना। इसको लॉन्च कर दिया आपके सामने, इसके प्रश्न बाद में ले लें। या इसमें आप लोग बैठो, को प्रश्न आते हो तो सर कोई प्रश्न वगैरह आएंगे तो आप लोग को। मित्रों आज प्रेस बुलाने का एक हेतु तो ये है कि इस प्रकार की ऑफिशियल प्रेस अब चूँकि आचार संहिता लगने वाली है, तो बाद में अगर कोई बहुत आवश्यक होगा तो करेंगे, नहीं तो फिर पॉलिटिकल प्रेस तो होती रहेंगी लेकिन सरकारी कामों की प्रेस शायद आज होगी। अब आचार संहिता कभी भी 13, 14, 15, 16 में लग सकती है, तो आज समझो 11 तारीख हो गई है, इसलिए उसमें मैं अगर घोषणा करने वाला हूँ तो मैं दे दूँ, लेकिन घोषणा मैंने नहीं करनी है, एक संभावित तिथियाँ होती हैं, क्योंकि चुनाव पिछले बार जो हुआ उसी के हिसाब से हमारा जो कार्यकाल है वो प्रैक्टिकली 2 नवंबर को समाप्त होगा, 2 नवंबर से पहले पहले नई सरकार का गठन होना आवश्यक है, तो बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से हम लगा रहे हैं कि 13 के बाद कभी भी हो सकता है, और 13 भी क्यों, जो मेरा अनुमान है कि 12 तारीख को प्राइम मिनिस्टर का एक कार्यक्रम झारखंड में जमशेदपुर में, तो जैसे हमारे 8 तारीख को हुआ वहाँ हुआ, हो सकता है महाराष्ट्र का भी कोई बीच में अलग होगा, तो उस समय तक तो शायद नहीं लगेगी। चुनावी राज्यों में सामान्यतः प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो एक बार चुनाव आचार संहिता से पहले जाते हैं, और उससे पहले इसलिए नहीं कि उसके बाद भी 12 तारीख के बाद भी 2 नवंबर तक का इतना समय है जिसमें चुनाव आयोग अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी कर सकते हैं,
तो 15-16 इसलिए कि इससे आगे जाएंगे तो फिर दिवाली आ जाती है, दिवाली चुनाव के दिवाली से पहले होंगे ऐसा हमारा अनुमान है। चुनाव होगा तो हो ही जाएगी। तो मित्रों कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर मुझे आपसे चर्चा करनी है। पहला तो मैं 20 दिन लगातार, जिसमें 16 दिन यात्रा रही मेरी जन आशीर्वाद यात्रा, चार पाँच दिन बीच में गैप भी रखा मैंने, बीच में सरकारी काम करने के लिए भी आता रहा, आपसे भी बीच में दो बार मिलना हुआ था। तो यात्रा हमारी बहुत उत्साहवर्धन तरीके से वो संपन्न हुई। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे, उसका समापन हुआ और ये यात्रा सभी 90 के 90 विधानसभाओं में मैंने की और 1200 के लगभग स्थानों पर इस यात्रा का ठहराव हुआ। कहीं सभाएं, कहीं स्वागत, कहीं इस प्रकार के कार्यक्रम जो सब हुए हैं। लगभग ऐसा मैं मानता हूं कि 18 से 20 लाख तक लोगों का मैंने दर्शन किया होगा इन सब यात्रा के कार्यक्रमों के माध्यम से। मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा उत्साह और सर्वदूर उत्साह था। ऐसे ऐसे क्षेत्र जहां हमारा पॉलिटिकल शायद उस प्रकार का प्रभाव पहले नहीं भी था, लेकिन आज जनता वहाँ उमड़ करके आई। अगर मैं उसमें प्रभाव क्षेत्र के नाते बात करूँ तो नूह जिला, ये हमारा कभी प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा, लेकिन बहुत एक अत्यधिक उत्साह उसमें हमको मिला है। फिर अगर पश्चिम हरियाणा की बात करें, सिरसा जिला है या फतेहाबाद जिला, हिसार जिला, इन सब में भी बहुत बड़ा उत्साह इस यात्रा को मिला। कुल मिलाकर के मीडिया के लोगों का मैं धन्यवाद इसलिए करूँगा कि जो कुछ उन्होंने देखा वो सब जनता के सामने आया भी सही है और सब लोग प्रसन्न हैं, रिपोर्टिंग भी अच्छी हुई है और जनता के सामने एक फैक्ट वो चला गया है। दूसरा कुछ विषय आप घोषणा मुझे करनी है तो उसमें पहला विषय तो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के लिए ये तय कर लिया है हमने, जो डिपार्टमेंट को चला गया और डिपार्टमेंट का आज नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, कि अभी तक केंद्र सरकार ने आयुष्मान का लाभ उन्हीं परिवारों को दिया था जो SEC डाटा 2011 की सूची में आते थे। हमने कुछ श्रेणियां उसमें एक एक करके और आगे योजना बनाई थी कि इनको भी उसमें डालें, उसमें भी डालें, और उसमें फिर एक लिमिट तय की है कि इस आय लिमिट के अंतर्गत वो चाहे श्रेणियां घोषित हो चुकी हैं चाहे नहीं हुई हैं, 1,80,000 रुपया सालाना आय इसके लेवल तक के जो परिवार हैं, चाहे वो किसी वर्ग के हैं, किसी श्रेणी के हैं, उसमें पहले से घोषणा चाहे हमने पत्रकारों की है, चाहे हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की है और चौकीदार की थी, मातृभाषा जो आंदोलन करणकारी जो सेनानी थे वो सब, लोकतंत्र सेनानी, नंबरदार, लेकिन वो अलग अलग वर्गों में करते रहे। आज हमने यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई कि जिनकी सालाना आय 1,80,000 रुपया है उस परिवार को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ मिलेगा। उसमें जो सेंट्रल स्कीम में कवर हो जाएंगे वो तो शेयर जो है सेंट्रल स्टेट का उस नाते से होगा, जो सेंट्रल योजना में कवर नहीं होंगे उनका पूरा शेयर स्टेट गवर्नमेंट देगी अपनी ओर से। और एकदम इसका ये बताना तो शायद संभव नहीं होगा कि कितने से परिवार आएंगे, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की सूची में लगभग 15.5 लाख परिवार कवर हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके अंदर और एक शायद 8-10 लाख परिवार कवर हो जाएंगे, कोई 25-27 लाख परिवार टोटल मिला के इस लेवल तक होंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट की ओर से एक योजना हमने लागू की है। एक दूसरा विषय चल रहा है पाल गडरिया जाति को SC में शामिल करना, उनकी जमीन दो। अनुराग जी एक बार ही बोल लें फिर उसके बाद कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। कुछ योजनाएं हैं इस विषय को आप भी नोट कर लें, मैं भी इसमें बताऊंगा। 1,80,000 का निर्धारण पाल गडरिया, ये समाज काफ़ी समय से मांग कर रहा था कि हमको SC में गिना जाए, और उसका एक कारण विशेष था कि पाल गडरिया सांसी जाति की सब कास्ट है और सांसी जाति इस नाते से पहले शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन कहीं किसी गलती के कारण से उसकी एक सब कास्ट पाल गडरिया इसको BC के अंदर रख लिया गया। जबकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई कास्ट ही शेड्यूल कास्ट है तो उसकी सब कास्ट BC में कैसे हो सकती है, तो सब कास्ट ऑटोमेटिकली SC में ही आनी चाहिए। अब उसका हमने तय कर दिया कि वो जाति अब शेड्यूल कास्ट में मानी जाएगी,
ये एक दूसरा इसका आज की योजना का घोषणा का एक तीसरा हमने पावर डिपार्टमेंट की एक घोषणा ऐसी है कि अभी यात्रा के अंदर बहुत से स्थानों पर ऐसे लोग मिले कि जिनके घर ढाणियों में बने हुए हैं और वो ढाणियाँ गांव से दूर दूर खेतों में बनी हुई हैं। हमने तय किया था कि 1 किलोमीटर के अंदर की अगर गांव से ढाणी है और जहां पावर पहले से चलती है इस गांव में 1 किलोमीटर तक की ढाणियाँ तो हम सब उससे कनेक्शन दे देंगे, ये पहले से हो गया था। लेकिन कुछ ढाणियाँ 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर से बाहर भी थी, ऐसी खास करके फतेहाबाद ज़िला, सिरसा ज़िला, भिवानी ज़िला, हिसार ज़िला, ये जो एरिया है राजस्थान के बॉर्डर के साथ साथ का, वहाँ बहुत सी ढाणियाँ हैं। वहाँ हमने मनोहर ज्योति एक योजना ये चालू की थी, उसका किसी कारण से क्रियान्वयन पहले नहीं हुआ था, अब उसका क्रियान्वयन हमने कर दिया है। ऐसे हर ढाणी को हम ये पावर जो है जलाने के लिए, जिसके अंदर न्यूनतम 2 बल्ब होंगे, 2 लाइट ट्यूबलाइट होंगी, पंखा होगा और चार्जर होंगे, अतिरिक्त अगर किसी ढाणी की आवश्यकता होगी तो उसको 1 के बजाय 2 मनोहर ज्योति भी दे करके उसकी पूर्ति की जाएगी। प्रत्येक एक यूनिट का जो खर्च है ये 22,500 रुपये आता है, ये सोलर से चलेंगी, सोलर पावर से, ताकि वहाँ उसको यूनिट दे देंगे, बाद में सोलर पावर से उसको चार्ज करेंगे। और उसमें 22,500 में से 15,000 रुपया सरकारी अनुदान होगा, केवल 7,500 रुपये में वो परिवार को दी जाएगी। तो ये 2 दिन से हमने बांटनी शुरू भी कर दी हैं और बहुत जल्दी सभी ढाणियों में ये पहुंचा दी जाएंगी। अभी तक एक ज़िले का तो मुझे पता है कि 3,500 ढाणी फतेहाबाद ज़िले में है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें लिखा है 16,700 परिवारों को हम लोग ये लाभ पहुँचाएंगे। इसकी कुल लागत अभी 37.5 करोड़ रुपया ये आएगी, यानी जो सब्सिडी देंगे वो सोलर इन्वर्टर। और इसके साथ सोलर इन्वर्टर ये भी 500 वाट का सोलर इन्वर्टर ये एक नई योजना बनाई है, ये भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जो गरीब और कमज़ोर परिवारों को, कीमत तो उसकी ज़्यादा लेकिन उसमें वो नहीं लिखी कि कितनी सब्सिडी है, लेकिन 6,000 रुपये और 10,000 रुपये, 2 प्रकार के इन्वर्टर हैं। ये इन्वर्टर भी हाँ उन परिवारों को दिए जाएंगे जहाँ एग्रीकल्चर कनेक्शन है। एग्रीकल्चर कनेक्शन सामान्यतः दिन में मिलते हैं, लाइट उनको रात को ज़रूरत होती है, तो ऐसे जो एग्रीकल्चर कनेक्शन के जो परिवार हैं खेतों में, उनको ये चार्जर उपलब्ध कराए जाएंगे, इन्वर्टर उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि दिन में वो इन्वर्टर से अपनी बैटरी चार्ज करके रात को उसका उपयोग कर सकें, ताकि उनकी खेतों में रहने वाले जो लोग हैं उनकी ये समस्या भी इसको हम हल कर सकें। नहीं वो मनोहर ज्योति में कवर क्या, उनके पास तो क्योंकि कनेक्शन है इसलिए कम पैसे में काम चल जाएगा। पूरी स्टेट में तो पावर दे ही रहे हैं, पूरी स्टेट में तो हम 24 घंटे पावर की हमारी मारा गांव जगमग गांव वो योजना पहले से चल रही है, और उसमें आज के रेट तक 6500 गांव में से 4100 गांव ऐसे हो गए हैं जहां 24 घंटे लाइट दी जा रही है। 9 जिले कवर हो गए, पूर्ण हो गए हैं, फीडर के हिसाब से उसका निर्णय लिया जाता है। बाकी गाँव कोई 18 घंटे कोई 15 घंटे, आज 15 घंटे से नीचे किसी भी गांव में लाइट नहीं देते, 15 घंटे तो न्यूनतम है, 15 घंटे 18 घंटे 21 घंटे, और जो सारे नॉर्म जो तय किए गए मारा गांव जगमग गांव में उसमें 24 घंटे, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी सारी चीज़ें कवर करके मैं समझता हूँ आगे आने वाले 6 महीने में सभी गाँव 24 घंटे हो जाने चाहिए। सफाई कर्मचारी जो हमारे हैं गाँव में और शहर में, इन सब सफाई कर्मचारियों को इनका वेतन बढ़ाने की बात, हालांकि पहले भी हमने अपने इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में वेतन को बढ़ा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र का हमने एक बार 1900 रुपया बढ़ाया था 16 में, और फिर 19 में 1000 रुपया फिर बढ़ाया था, नहीं 2900 रुपया उनका बढ़ाया गया था, और शहरी क्षेत्रों में भी पहले ये बढ़ाया जा चुका है। आज के दिन में शहरी क्षेत्रों को 13,500 रुपया मासिक ये सफाई कर्मचारियों को मिलता है,
और ग्रामीण क्षेत्र में 11,000 रुपये मिलता है। हमने एक बात घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्र के जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे मैनिफेस्टो में ही था कि हम इनको धीरे धीरे 15,000 रुपये तक लाएंगे। तो जो 1500 रुपये की कमी अभी रह गई थी उसको आज हम अपने इस कार्यकाल के अंदर ही घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुसार 15,000 रुपये कर रहे हैं, 1500 रुपये इनका बढ़ा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र का भी 11,000 से बढ़ा करके 12,500 रुपये उनका भी बढ़ा रहे हैं। अर्थात अब ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को 12,500 रुपये मिलेगा, शहरी क्षेत्र में ये 15,000 रुपये मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के सफाई कर्मचारियों को ग्राम पंचायत ये सैलरी देती है और शहरी कर्मचारियों को म्यूनसिपैलिटीज जो है ये सैलरी देती है। 11,000 से 12,500 गाँव में और 13,500 से 15,000 शहरों में। इनकी संख्या ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 11,000 कर्मचारी हैं और शहरी क्षेत्र में कोई 27,000 से 28,000 ऐसा है जी सर लगभग जी। तो ऐसे कोई ये 40,000 या 39,000 कर्मचारियों को ये 1500 रुपये महीने का ये लाभ उनको ये होगा। आज भारतीय मजदूर संघ जो कर्मचारी और मजदूरों का एक संगठन है उनके साथ कुछ बातें कर्मचारी संगठनों से जो लगातार चल रही थी वो भी चूँकि अब फेज लास्ट फेज था तो उनको फाइनल शेप दे करके आज उनको हमने फाइनल किया है। और शहरी क्षेत्रों में UHC अर्बन हेल्थ सेंटर्स जो हैं उनके अंदर कुछ 226 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके सर्विस बाय लाज में उनके अलग थे, NHM में अलग थे, काम प्राय सेम है तो NHM के बराबर ही उन 226 कर्मचारियों को जो लाभ है वो मिला करेगा। इसमें 12,61,00,000 रुपया सालाना ये खर्च बढ़ेगा। इसी प्रकार जो सरकारी चीनी मिलें हैं उन चीनी मिलों में दो प्रकार के कर्मचारी हैं, एक पक्के कर्मचारी, एक जो अस्थाई कर्मचारी जो दैनिक वेतन पर होते हैं। तो जो स्थायी कर्मचारी हैं उनको हमने, पक्के कर्मचारी हैं उनको वेतन 1,818 से उनका बढ़ा दिया गया था लेकिन कच्चे कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया गया था। तो आज कच्चे कर्मचारी जो 672 हैं ऐसे शुगर मिल के कर्मचारी उनको भी जो 14.29% बढ़ोतरी पक्के कर्मचारियों को दी गई थी इनको भी 672 कर्मचारियों को उसी दिन से 1,818 से ये दे दिया गया है, जिसमें 1,88,00,000 रुपया तो एरियर बनेगा और 90,00,000 रुपया प्रति वर्ष ये अतिरिक्त खर्च होगा। इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी DITS यहाँ जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके सर्विस बायलॉज नहीं बने थे, वो सर्विस बायलॉज बनाने के लिए भी गवर्निंग बॉडी जो है ये बना दिए हैं। आज जो है बन करके उनको चले जाएंगे और उनसे उसका अप्रूवल लेकर के और उसको फाइनल कर देंगे। इसमें उनकी सर्विस का थोड़ा निश्चितता हो जाएगी, अन्यथा हर जगह अलग अलग तरीके से डील किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज होती हैं तो डिस्ट्रिक्ट सोसाइटीज में जो कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग जो DITS में होते हैं वहाँ वो अपने अपने ढंग से उनको डील करते रहते हैं। तो एक यूनिफॉर्म सर्विस बायलॉज बनेंगे तो उनकी जो परेशानियाँ जगह जगह आने वाली हैं वो समाप्त हो जाएंगी। छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, महिला कर्मचारियों को कोई मैटरनिटी लीव है या कोई और प्रकार के जो बेनिफिट्स हैं वो अभी चूँकि अपने अपने ढंग से वो डील करते थे तो एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए DITS में उनके सर्विस बायलॉज ये बनाए गए हैं। इसी प्रकार उनकी एक मांग है पार्ट टाइम ट्यूबवेल जो ऑपरेटर हैं उनको अभी सैलरी नाम से नहीं बल्कि पार्ट टाइम के हिसाब से पार्ट टाइम वेतन ही दिया जाता था। तो हमने ये तय किया है कि उनको भी 8 घंटे का काम दिया जाए ताकि वो पार्ट टाइम ना रहें और 8 घंटे का ही उनको वेतन मिले। दो डिपार्टमेंट मिल करके आधा काम उनको पंचायत द्वारा दिया जाएगा और आधा पब्लिक हेल्थ द्वारा दिया जाएगा। ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं और फिर पंचायत के भी कुछ काम उस गाँव में होते हैं ताकि उनको फुल टाइम 8 घंटे का काम दे करके और उनको वेतन उनका बढ़ाया जाएगा। तो व्यापारी कल्याण बोर्ड 4 ढाणियों में और ढाणी आ गया और मेरी यात्रा का विषय मैंने बताया उस पर कोई खर्च होना नहीं है। 5 साल पहले बहुत ही
मेहनत करके जनता के खून पसीने की कमाई को बचाने के लिए हमने इस नई संस्कृति को जन्म दिया था कि ये चांदी के मुकुट, सोने के मुकुट और जिस प्रकार की ये संस्कृति चल रही थी उसको हमने बहुत, जिसको कहना चाहिए, बेरहमी से बंद किया था। और आज भी अगर कोई व्यक्ति और खासकर मेरा अपना कार्यकर्ता मुझे जानकारी दिए बिना मेरे सिर पर मुकुट बांधेगा चांदी का, तो मित्रों मुझे स्वाभाविक गुस्सा आता, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरा अपना कार्यकर्ता है, मेरा बहुत अच्छा पुराना परिचित है, सरकार का भी हिस्सेदार रहा है वो, और कोई उसने बुरा भी नहीं माना है। इसलिए ये जो कांग्रेस की संस्कृति थी वो हम अपनी पार्टी में, इस प्रदेश में कभी आने ही नहीं देंगे, कभी नहीं आने देंगे। और ये अच्छा किया कांग्रेस के ही व्यक्ति ने ट्वीट कर दिया और ये उसके उसके गले का एक हार बनेगा ये ट्वीट। अभी अभी देखिए, वो कुल मिलाकर के सुरक्षा की दृष्टि से मोटर व्हीकल रूल्स उनको ठीक से पालन करने की दृष्टि से उसका हेतु है। हमने अभी ये तय किया है कि पहले उसकी अवेयरनेस ये पैदा करेंगे और अवेयरनेस पैदा करने के बाद इन चीज़ों को उल्लंघन ना करें नियमों का, हमारा हेतु ये है। और अगर इसमें हम सफल हो गए तो जुर्माने का नौबत क्यों आएगी, नहीं आएगी। नहीं देखिए, इम्प्लीमेंट मैं क्या कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंटेशन मना नहीं किया, लेकिन एक बार इम्प्लीमेंटेशन से पहले यदि अवेयरनेस ला करके चीज़ों को ठीक कर दिया जाए तो हमको जुर्माने लगाने का शौक थोड़ा ही है, शौक नहीं, जुर्माना लगा, सुनिए, जुर्माना लगाने का हेतु क्या है कि ये इस प्रकार का उल्लंघन ना हो, डेथ्स ना हो। लेकिन इस काम को करने के लिए अगर हमें एक पहले कुछ समय के लिए अवेयरनेस ला करके उन चीज़ों को कम कर लें, हाँ फिर भी अगर कोई उल्लंघन होंगे उसमें विचार करेंगे कि भी इसको इम्प्लीमेंट करना है, गुजरात की राह पर कुछ बात करनी है या दूसरे प्रदेश ने मना किया, हम उसके बाद विचार करेंगे। अभी हमने अवेयरनेस के लिए एक महीने का, नहीं नहीं अवेयरनेस पहले भी कर रहे थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे थे, और ये हम से आज से नहीं चल रहा। आखिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ना हो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं थी। अब चूंकि स्टेंडेंस, मैं तो कह रहा हूँ ना, आखिर चालान होता है एक दंडात्मक कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई शुरू में ही कर देना, अब कोई इसको ठीक समझता होगा, कोई नहीं समझता होगा। हमको लगता है कि अवेयरनेस का एक मौका देना चाहिए, मौका देने के बाद हर एक चीज़ के लिए हम करते हैं। आखिर 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 प्लास्टिक, सुनिए सुनिए, प्लास्टिक फ्री हरियाणा, इसको करने के लिए कानून भी बना हुआ हमारा, आज तक नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि अवेयरनेस नहीं थी। जेंडर रेशो ये बिगड़े कभी किसी ने नहीं चाहा, लेकिन कभी किसी ने ठीक भी नहीं किया, हमने इसकी अवेयरनेस पैदा की। अवेयरनेस पैदा करने के बाद आज कितनी बड़ी सफलता हुई, जनता को साथ लेने के लिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज नशाबंदी है, नशाबंदी के कानून तो बहुत हैं, लेकिन बिना अवेयरनेस के जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक कानून वही लागू होता है जब डिफाल्टर 10-20% हो। जहाँ डिफाल्टर 70-80-90% हो जाते हैं ना, तो कानून लागू करने में कठिनाई आती है। मित्रों मेरा बताया, चलान भी होंगे, अवेयरनेस भी होगी, लेकिन अवेयरनेस के लिए 1-1.5 महीने का समय हमने इसलिए रखा है कि लोगों को हम बताएंगे, जागृत करेंगे, कैंप्स लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उल्लंघन नहीं करने देंगे। नहीं नहीं, इनमें कैबिनेट की जरूरत नहीं, इसमें कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं। इसमें कुछ तो रनिंग चीज़ें हैं, कुछ पहले विचार किए हुए हैं, फैसले हुए हैं, लेकिन उसका कहीं नोटिफिकेशन करना था, कहीं कुछ बाकी थी। नहीं नहीं, नोटिफिकेशन कोई नोटिफिकेशन जरूरत नहीं होती। हमारे DGP साहब ने एक कर दिया है, अनाउंसमेंट की है कि हम इसको अभी एक बार अवेयरनेस के कैंपस लगाएंगे, अवेयरनेस लोगों को कराएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे कि इस प्रकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यानी पुलिस अगर पकड़ेगी भी इसी तो मौका तो देगी ना कि भाई आज तो हमने किया, आगे इसको नहीं करना है, कोई तरीके होते करेंगे। नए से पुराने से नहीं कटेगा चलान, चलान काटना है तो नए से ही कटेगा। अवेयरनेस में ये तो हो सकता है किसी को मौका दे दें भाई आज क्या कल मत करना, अवेयरनेस का यही मतलब होता है। देखिए जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने कहा है मैं उसके विपरीत कहूँगा क्या कुछ। पवन जी होती है ऐसी, जब हमें जानकारियाँ मिलती हैं तो जानकारी को हिसाब से करना ही चाहिए। अब मुझे बहुत लोगों ने कहा कि हमारी ढाणी में लाइट नहीं पहुंची है, जब लाइट नहीं पहुंची है तो लाइट पहुंचनी ही चाहिए। अब पानी के नाते से कुछ जगह ये विषय है कि हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं है, तो हमारे डिपार्टमेंट को जो मैंने कहा तो डिपार्टमेंट ने, इरीगेशन डिपार्टमेंट ने, हमने उन्होंने योजना बनाई। अभी टेम्परेरी फेज़ है क्योंकि पानी गर्मी के दिनों में ही कम पड़ता है, तो उन्होंने स्पेशली एक सप्ताह के लिए घोषणा की है कि हम अभी 9 तारीख यानी आज 11 है, हाँ
तो 9 तारीख से 16 तारीख का जो सप्ताह है इसमें अब इरिगेशन की वजह है, 3 दिन उन्होंने ऐसे तय किए हैं कि उन 3 दिनों में केवल पीने का पानी जो वाटर वर्क्स हैं या फिर तालाब इनको भरेंगे ताकि पशुओं के पीने का पानी वाटर वर्क्स में यानी हमारा ड्रिंकिंग वाटर ये सारी की व्यवस्था करने के लिए उस सब इलाके में जूही फीडर, मिताथल मीडर, सुंदर सब ब्रांच, शिवानी फीडर, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें 13, 14, 15 तारीख 3 दिन अब इरीगेशन के बजाय पूरा पीने का पानी, अभी हमको जानकारी मिली तब हुआ है, तो कई बार टेम्परेरीली भी समस्याओं का हल करने के लिए करना पड़ता है। इसको अगर मानो जो पानी पर्याप्त है फिर क्या करेंगे, आज पानी नहीं है इसलिए करना पड़ेगा। एक किलोमीटर के अंदर जो हो किसी भी गांव के 1 किलोमीटर के अंदर है वो पहले लगभग 2400 ढाणियाँ वो हमने पहले से उनको कनेक्शन देने शुरू कर दिए। अब उससे जो बाहर बचे हुए थे उन नहीं जो उससे एक किलोमीटर के बाहर सारी मतलब हर गांव का 1 किलोमीटर के अंदर तो दूसरे गांव का नजदीक भी तो आ जाता है ना, जो 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर अगर हर 3-4-5 किलोमीटर के बाद गांव आ जाता दूसरा तो बीच में कुछ एरिया होगा ना, उस एरिया में अभी 16,700 ढाणियाँ उनको हमने मनोहर ज्योति से कवर करने की हाँ बात कर दी है और वो शुरू कर दिया है। उसमें कोई ढाणी ऐसी है, ढाणी का मतलब एक घर बड़ा घर भी होता है छोटा घर भी होता है, दो कमरे का भी मकान है, 4 कमरे का भी है, 5 कमरे का भी है, तो अगर एक मनोहर ज्योति से वो कवर नहीं होगा तो वो 2 मनोहर ज्योति भी ले सकता है, लेकिन ढाणियों के बाहर ये मनोहर ज्योति नहीं दी जाएगी। इसी में कुछ ढाणियाँ ऐसी हैं जहाँ ये कनेक्शन एग्रीकल्चर कनेक्शन है लगा हुआ लेकिन वहाँ डोमेस्टिक नहीं है, एग्रीकल्चर कनेक्शन में 8 घंटे लाइट मिलती है और सामान्यतः वो दिन में मिलती है, लाइट की जरूरत उनको रात को है, ऐसे परिवारों को हम इन्वर्टर देंगे, वो इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर जो होंगे सोलर इन्वर्टर से दिन में अपनी बैटरी को चार्ज करके रात को उसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए आखिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया बताया है कि भाई आप लोग इसको बातचीत से हल करो, और बातचीत करने के लिए उन्होंने 4 महीने का जो समय कोर्ट के निर्देश पर ही है, उस कोर्ट के निर्देश के बाद यदि कोई बातचीत से हल निकलता है, हमने उनको सुप्रीम कोर्ट को बता दिया कि हमारा पानी का जो शेयर है इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, अब उसमें बातचीत में बाकी विषय क्या रहेगा हमको ये नहीं पता, क्योंकि रास्ता भी क्लियर है, SOL बनने का भी क्लियर है, अब बातचीत में विषय कौन सा है जब हमारे पास कोई विषय आएगा तभी तो रिस्पॉन्ड करेंगे, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप बातचीत से इसको रास्ता नहीं बना सकते तो फिर 4 महीने बाद हम उसका निर्णय देंगे। देखिए हर एक पार्टी अपना कोई ना कोई एक संकल्प ये रखती है जनता के सामने, अब कांग्रेस ने क्या रखा था कितना पूरा वो करने की उनकी मनस्थिति थी, मुझे याद है कि जब 1 नवंबर 2013 में गोहाना में रैली हुई थी उनकी तो इतनी घोषणाएं उन्होंने की, और जब सारा बजट जैसे आप पूछ रहे हैं ना कितना इसका बजट का फर्क पड़ेगा, तो जो सारा बजट बताया गया, अब अधिकारी तो यही थे जो आसपास मेरे बैठे हैं, किसकी स्टेटमेंट आई होगी मुझे पता नहीं, लेकिन इन्हीं में से किसी की स्टेटमेंट आई थी 2 महीने बाद कि हमारा बजट इन घोषणाओं को अलाउ कर ही नहीं सकता, अब किस कैपेसिटी में इन्होंने दी होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन इन्होंने एक फ़ायदा हमारा ज़रूर कर दिया था कि हमको और आपको सबको ये पता लग गया कि घोषणाएं उतनी होनी चाहिए जितनी होने लायक होती है, इसलिए हम कभी कोई ऐसी घोषणा नहीं करते जो होने लायक ना हो, उस नाते से आज जितनी किए हैं ये विदिन हमारा जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन है उसके साथ है, जो सब कुछ लिख करके फाइनल करके तब ये हुई है, कल को जो करेंगे कल यानी हम भी अपना एक संकल्प पत्र बनाएंगे, उस संकल्प पत्र में अगले 5 वर्ष में हमने क्या करना है, ये तो जो तुरंत हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अगले 5 वर्ष में क्या करेंगे वो सारी चीज़ें संकल्प पत्र में आपको बताई जाएंगी, और उसके भी जल्दी नहीं है वो तो जरा हवा की रुख देख करके करेंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।